नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नाला सुपारा अलकापुरी में 80 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या से मची सनसनी। अपराध के गढ़ नाला सुपारा से कल शाम को एक बार फिर बड़े अपराध की घटना सामने आई, जहां एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, नाला दोबारा में अभी हाल ही में नए बने आचोले पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले अलकापुरी के एक रहवासी कॉम्प्लेक्स में यह वारदात अंजाम दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आचोले पुलिस थाने के इंचार्ज एवं दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दी और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई। जैसा कि हमने आगे बताया है कि नाला दोबारा शहर अपराध का गढ़ बन चुका है, जहां अपराध को रोके जाने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त सदानंद दाते का प्रयास लगातार जारी है। इसी के चलते नाला सुपारा पूर्व में जहां पहले सिर्फ एक पुलिस स्टेशन तुलिज पुलिस स्टेशन था, उनको बढ़ाकर दूसरा आचोले और तीसरा पहलहार, ऐसा कुल 3 पुलिस स्टेशन कर दिए गए हैं। फिर भी अपराध पर अब तक अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। नहीं, आमच्या अलकापुरी भागामध्ये एक कॉम्प्लेक्स आहे, त्याच्यामध्ये लोक राहतात। तिथे एक ग्राउंड फ्लोरला वाली शिवसागर म्हणून एक महिला राहते, तिचं वय 80 वर्ष आहे जवळपास। तर पोलिसांना 2 वाजता फोन आला की बाबा असंच 3 मयत झालेली आहे म्हणून। मग आम्ही आणि आमचे SAP साहेबांनी आम्ही स्पॉटवर आलो आणि बघितलं तर तिला कोणत्या तरी हत्या डोक्यावर मारून वार करून ती मयत झाली आहे असं प्रथमदर्शनी दिसत आहे। तर आम्ही पुढचं कारवाई करत आहे, अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करत आहे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।